फुल फुल तो तीनों फुल, वो लास्ट हो रहा हो तो उस समय आपको ताली का
Thank you.
देव भगवान के जो महा अभिषेक के इस महा उत्सव में आए हुए समस्त भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है और यहाँ पर बैठे हुए समस्त वैष्णवों के चरणों में प्रिय वल्लभा देवी दासी का दंडवत प्रणाम है कि वो मुझे आशीर्वाद दे कि मैं योग्यता न होते हुए नरसिम्हदेव भगवान की महिमा के विषय में कुछ वर्णन कर सकूं। हृदय में जो भौतिक बातें चल रही हैं, बुद्धि में जो भौतिक विचार चल रहे हैं, उन सबको थोड़ी देर के लिए साइड कर दें। खुद को भी भूल जाइए कि मैं किसका पति हूँ, किसकी पत्नी हूँ, किसका पुत्र हूँ, किसकी पुत्री हूँ। हरे कृष्ण, क्योंकि यहाँ हम आए हैं अपने वास्तविक संबंध को पुनः निर्माण करने के लिए। तो जब तक एक संबंध साइड में नहीं रखेंगे तब तक दूसरा संबंध जोड़ेंगे कैसे? तो अब पूरी ईमानदारी के साथ हृदय से मंगल आचरण करेंगे ताकि हम जो कुछ अभी श्रवण करने वाले हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। नरसिम्हदेव भगवान कहाँ रहते हैं जानते हो? रोजाना गाते हैं ना आरती में, बागे नरसिंह हो, बागे नरसिंह हो, बाहर भी है और कहाँ पर है? हृदय में बैठे हुए ना। अब आंखें बंद कीजिए और हृदय में बैठे हुए नरसिम्हदेव से प्रार्थना कीजिए कि हम इस योग्य बनाए कि हम उनकी कथा को श्रवण करके अपने जीवन को प्राप्त कर सके।
वटस्य वस्त्रकुटिशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारि गोविंद राम धर्मादवे नारायण नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं तत्पूजया मुनीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती युक्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशात्मिकं जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरवभक्तवृन्द हरे कृष्णा नरसिंहदेव भगवान भगवान के अनंत अवतारों में से एक है। जैसा कि आप सब जानते हैं भागवतम में भगवान के 24 अवतारों के विषय में बताया गया, लेकिन शुकदेव गोस्वामी कहते हैं ये कोई लिमिट नहीं है। भगवान के तो असंख्य अवतार हैं, असंख्य ब्रह्मांड हैं और असंख्य समय में कंटिन्यू भगवान के अवतार होते हैं। किसी किसी के मन में ये भी होता होगा कि भाई नरसिंह चतुर्थी तो कब की गुजर गए और यहाँ पर आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान की लीलाएं गई नहीं होती, हो गई नहीं होता, भगवान की लीलाएं तो नित्य चलती रहती है। आज इस समय इस क्षण में किसी न किसी प्लैनेट में किसी न किसी लोक में भगवान का अवतार है, हो रहा होगा और भगवान उसी तरह से जिस तरह से यहाँ इस हमारे पृथ्वी लोक पर आज से करोड़ों साल पहले सतयुग में वो खंभा फाड़ के बाहर निकले थे ना, उसी का आज भी कहीं ना कहीं दर्शन हो रहा होगा भक्तों को, क्योंकि भगवान की लीला जो है ना वो नित्य चलती रहती है। और ये जो स्वरूप भगवान नरसिंहदेव भगवान का है वो कैसा है, आधा शेर और आधा नर है, नर सिंह। लेकिन ये कितना अद्भुत शरीर है और भक्तों को ये बहुत आकर्षित करता है। भक्त इस भगवान के अद्भुत शरीर के प्रति इतना अधिक प्रभावित होते हैं कि जो चाहे किसी की भी भक्ति करें, चाहे वो भगवान के किसी भी स्वरूप की भक्ति करें, लेकिन उनकी भक्ति में नरसिंहदेव भगवान का एक स्थान होता ही है। चाहे वो राम भक्त हो, चाहे वो कृष्ण भक्त हो, या किसी भी भगवान के अवतार की भक्ति करे, लेकिन नरसिंहदेव भगवान की आवश्यकता पड़ती है। वास्तव में क्यों आवश्यकता पड़ती है जानते हो, क्योंकि नरसिंहदेव भगवान जो है वो हमारी भक्ति के अंदर आने वाले सारे विघ्नों को, संकटों को, प्रॉब्लम्स को समाप्त करने के लिए आए हैं। आप तो सब नरसिंहदेव भगवान की कथा को जानते थे ना, जानते हो ना नरसिंहदेव भगवान किसको किसको मारने के लिए आए थे, हिरण्यकशिपु। कौन था? असुर था। असुर क्या काम करते जानते हो? असुर का एक काम होता है, भगवान कह रहे हैं
दुष्कृति न मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः। जो असुर होते हैं ना, महायना को हृदय ज्ञान असुरम भावमाश्रित। 7.15 में भगवान ने कहा असुर का एक काम है कि वो सब करेगा, सब कुछ करने के लिए तैयार होगा, एक काम नहीं करेगा, क्या? नामा प्रपद्यन्ते। वो भगवान श्री हरि की भक्ति कभी नहीं करेगा, भगवान श्री कृष्ण की शरण में कभी नहीं आएगा। तो आज जो ये कलयुग है ना, उसमें आपको असुर हिरण्यकश्यपु की तरह इतने खूंखार बन के दिखाई नहीं देंगे। जो जो इतनी बड़ी बड़ी आंखें होंगी, बड़े बड़े है ना माउथ होगा, वो बड़े बड़े सींग होंगे, ऐसा असुर थोड़ी होता है। वो तो हमारे अपनी कल्पना, असुर की एक ही डेफिनेशन है जो नामा प्रवत्यन्ते। जो भगवान बोलता है जो मेरी शरण में नहीं आता ना, जो मेरी भक्ति नहीं करता ना, वही असुर है। तो आज देख लेना, आज से जो कृष्ण की भक्ति नहीं करेगा वो कौन है? मैं थोड़ी बोलती हूँ, भगवान ने कहा है वो तो असुर है। तो असुर का काम एक तो वो स्वयं भक्ति नहीं करता, और दूसरा काम क्या है? दूसरा काम है दूसरों को नहीं करने देता। देखो अब वो खुद तो नहीं करता था और अपने बेटे को भी नहीं करता, करने देता था। कुछ भी करो तुम, खाली भगवान श्री हरि का नाम लेना छोड़ दो, आपको खाली भगवान की भक्ति नहीं कर रही है। तो आज जो आपको भी ये बोलता है ना, जो खुद नहीं करता और आपको बोलता है ना, खबरदार जो भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया, ये माला लेकर सारे दिन क्यों घूमते रहते हो? माला करना छोड़ दो, भक्ति करना छोड़ दो, हरि का नाम लेना छोड़ दो, बस वही असुर है। और नरसिंह भगवान क्या करते हैं? हमें असुरों से प्रोटेक्शन देते हैं, असुरों से हमारी रक्षा करते हैं। और आज इस कलयुग का सबसे बड़ा असुर कौन है जानते हो? सबसे बड़ा असुर है मोबाइल असुर। वो बदल रहा, वो बोलते हैं ना, वो बकासुर, अगासुर, या कौन से सुर होते थे आज कलयुग में, कौन से? मोबाइल असुर। वो कभी आपको भक्ति नहीं करने देता, जब भी नहीं करेंगे ना, माला करो, उधर से म्यूजिक आएगा, घंटी बजेगी, अरे आपको किसी ने याद किया, मैसेज आया, चेक करो, चलो रखो माला। तो भगवान नरसिंह से हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए, जिस तरह से चीर फाड़ के रख दिया था ना हिरण्यकश्यप को, उसी तरह से नहीं मोबाइल को तो नहीं, क्योंकि मोबाइल से तो हम बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो आप कथा में आते हैं कि भगवान नरसिंह देव हमें असुरों से मुक्ति प्रदान करते हैं, ताकि हम भगवान की सरलता से भक्ति कर सकें। एक बार क्या हुआ, जब अभी हमारी स्कॉन संस्था श्री प्रभुपाद ने नया नया भी स्थापित किया था, कहाँ पर? अमेरिका में। तो अमेरिका में क्या हुआ, क्योंकि सारे लोग फ्रस्ट्रेट थे, दुखी थे, उन्होंने अपनी लाइफ का हर प्रकार से एंजॉय करके देख लिया था, हर प्रकार से। जो आज हम सोचते ना, ये मिलना चाहिए, ऐसा घर होना चाहिए, ऐसी गाड़ी होनी चाहिए, ऐसी पत्नी होनी चाहिए, ऐसा खाना पीना होना चाहिए, जो लग्जरियस से लग्जरियस, जो एकदम जो बहुत ज्यादा रिचेस्ट जो लाइफ थी ना, वो उन्होंने गुजार के देखी थी, और फिर वो थक गए थे कि इनमें तो आनंद है ही नहीं। क्यों नहीं आनंद जानते हो? क्योंकि प्रहलाद महाराज बताते हैं, मिथो विपत्ति सदृह व्रताना आद्यंत गोभिर् विशतां समासम् पुनः पुनः सर्वितं सर्वणाणाम्। अत्यंत ही सुंदर श्लोक है, मेरा प्रिय श्लोक है, जिसमें प्रहलाद महाराज बोलते आप चाहे कुछ भी प्राप्त कर लो संसार में, चाहे कुछ भी मिल जाए, उसमें टेस्ट नहीं है, टेस्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पहले से शेविंग ऑफ द ट्रूथ, पहले से चबाया हुआ है ना, उसको चबाने में कभी भी टेस्ट नहीं। अगर एग्जांपल दिया जाए, बच्चे जो च्युइंगम खाते हैं ना, च्युइंगम खाएंगे, उसको खाएंगे खाएंगे सारा रस निकाल देंगे, उसको वापस फेंक देंगे, उस च्युइंगम को कोई खाएगा तो टेस्ट आएगा? वो तो टेस्टलेस है,
या फिर और भी सरल असर देखें, आप लोग तो सब कराची की गलियों में देखते हो ना, गन्ने की मशीन होती है जिसमें से गन्ना गुजारते हैं और सारा रस निकाला जाता है। अब वो गन्ने वाला कैसे करता है, पहले गन्ना डालता है, फिर उसको भूखी से उसको एक दफा फोल्ड करता है, फिर वापस से डालता है, फिर वापस फोल्ड करता है, वापस से डालता है, फिर वापस से एकदम एक एक ड्रॉप उसका रस निकाल देता है। फिर अगर किसी को बोले भाई गन्ना खाओ इसमें बहुत टेस्ट है, उस गन्ने में कोई टेस्ट होगा, होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि वो तो सारा रस उसी तरह से। आज हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं ना, आज पहली बार थोड़ी संसार में आए हैं, हम पता कब से हैं? भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो, आप अजन्मा हो, कभी जन्म नहीं हुआ, शुरू से हो, जब से सृष्टि है जब से भगवान है तब से है, और तब से क्या करते आए हैं, संसार के मंदों को चूसते आ रहे हैं, चखते आ रहे हैं, सारा रस खत्म हो गया, अब उसमें कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए अमेरिका के सारे लोग जो थे वो बहुत फ्रस्ट्रेट थे और बहुत दुखी थे, उन्होंने सोचा मुझे कुछ तो ऐसा मिले संसार में, क्योंकि आनंद जो है वो हमारा अधिकार है, हम सब भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, जो कि सच्चे आनंद है, तो आनंद हम सबका अधिकार है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, असल में आनंद कहाँ है वो जगह नहीं पता। और जैसे ही उनको श्री प्रभुपाल जी के रूप में एक शुद्ध वैष्णव का संग प्राप्त हुआ, जब हरि नाम का आनंद उनको प्राप्त हुआ, हरि कथा का आनंद प्राप्त हुआ, तो बहुत ही तेजी से लोग जो है वो संसार के दुखों से घबराए हुए, स्पेशली जो यूथ थे ना अमेरिका में, जो यंग जनरेशन थी वो बहुत आकर्षित थी, बहुत आकर्षित हुई। और पता क्या, वो बस टीनेजर से जो कि हर वक्त नशे में धुत होते थे, वो शराब पीते थे, ना जाने कैसा कैसा नशा करते थे, इंजेक्शन लगाते थे, लेकिन जैसे उनको लगा ये कितना आनंददायक है, ये हरिनाम का संकीर्तन कितना मधुर है, तो वो सब सारे जो अपराध है उनको छोड़कर प्रभुपाल जी की संस्था इस फॉर्म में आने लगे। जैसे ही वो आने लगे तो बाकी के जो उनके पेरेंट्स हैं, उनके बड़े हैं, वो तो सब परेशान हो गए, उन्होंने कहा यार हमारे बच्चों का ये क्या कर दिया इसने, अब तो हर चीज को पहले तो कुछ भी खा लेते थे, अभी वहां पर तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये भी खा, गधे का भी खाओ, कुत्ते का भी खाओ, सुअर का भी खाओ, किसी का भी खा लो, कुछ पता नहीं, अभी इंग्रेडिएंट्स पढ़ते हैं, कहीं इसमें लहसुन प्याज तो नहीं है, कुछ ही वहां से लेकर यहाँ तक आ गया। और फिर उनका जीवन चार नियम का पालन करना है, सुबह सवेरे उठना है, नियमित रूप से महामंत्र का जप करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, अचानक से जो राक्षसों के घर में प्रहलाद उत्पन्न होने लगे तो सब परेशान था, उन्होंने समझा शायद हमारे बच्चे पागल हो गए, डेफिनेटली लगेगा, अभी वो बच्चे जो सारा दिन एंजॉय करते रहते थे, वो हर वक्त शराब पीते रहते थे, पता नहीं क्या क्या करते रहते थे, हमको पता नहीं कब आते हैं, सबको पता है, लेकिन वो उसमें से जब वो ऐसे बन गए, शिकारत की कंठी नहीं थी, माला नहीं थी, जब्बा करना शुरू हो गए, सब परेशान था। उनमें से एक जो थे वो बहुत ज्यादा रिच व्यक्ति थे, बहुत अमीर थे, उसका इकलौता बेटा था, और उसने क्या किया, अपनी पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दी, दोस्त सारे दोस्त छोड़ दिए, और श्री प्रभुपाल जी की संस्था में स्कॉन में आकर बैठ गए। तो इतना दुख हुआ, इतना गुस्सा आने लगा, बोला ये स्वामी जी आकर यहाँ पर कर क्या रहा है, इसने हमारे सारे बच्चों को बिगाड़ दिया है, हमारे बच्चों को जीना जीना भूल गए बच्चे, ये कोई लाइफ है, न खा रहे न पी रहे न घूम रहे न फिर रहे न सिनेमा जाते न कोई पिकनिक पे जाते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो उसने सारे जो बड़े बड़े वकील थे ना उनको बुलाया, और सारे जितने अपने बच्चे लोग थे उन सबको बुलाया, बोला ये स्वामी जी है ना, इन्होंने जो संस्था भी बनाई है ना इस्कॉन, उसको हमें पेश होना है, खत्म करना है, अब क्या करेंगे, इनके ऊपर केस करेंगे। तो अदालत में लेके गए, उन्होंने तो बड़े बड़े वकील थे क्योंकि उनके पास तो बहुत सारा धन था, बहुत सारी सपोर्ट थी,
अभी श्री प्रभुपाद जी ने नया नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, उनके पास कोई सपोर्ट नहीं था, थोड़े से ही भक्त थे। तो श्री प्रभुपाद जी ने श्री प्रभुपाद जी को आगे कहा कि अगर हम कोई महंगा वाला वकील नहीं करेंगे ना, तो फिर ये हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है, क्योंकि कौन जो है वो अमेरिका से ही ना रजिस्टर्ड हुई थी। अब वहां से अगर वो बिल्कुल नष्ट हो जाती तो फिर उसका नाम ही खत्म हो जाता। तो बोला श्री प्रभुपाद जी ने कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमारे साथ कोई नहीं है? वो जो समस्त राजाओं का राजा है, वो जो सारे छलियों में बड़ा छलिया है, वो जो सबसे ज्यादा बलवान है, बलवानों में जो सबसे बलवान है, जो सारे बलवानों को बल देता है, वो हमारे साथ है। फिर आपको टेंशन करने में क्या आवश्यकता है? बोला वो तो है, बट केस कौन लड़ेगा? केस लड़ने के लिए तो वकील चाहिए है, धन चाहिए, वो तो हमारे पास नहीं है। तो बोला कोई बात नहीं, आप हमारे हम लोग क्या करेंगे, हमारे सारे डिवोटीज जाएंगे और अपनी सफाई पेश करेंगे, वो देखते हैं क्या बोलते हैं, उसके बदले में हमारे डिवोटीज जो है वो हम लोग वकील वकील नहीं करेंगे। तो सारे भाई कुछ लोग गए और उन्होंने जाकर पहला ही मुकदमा ये दायर किया कि भाई ये जो स्वामी जी है ना, वो हमारे बच्चों का ब्रेन वॉश करते हैं, ब्रेन वॉश कर देते हैं और फिर वो अपनी सारी जो एक्टिविटीज है वो छोड़ देते हैं और फिर यहाँ पर आके क्या करना शुरू हो जाते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, तो उन्होंने बोला हम तो कोई ऐसा ब्रेन वॉश वगैरह नहीं करते, आप हमारे टेंपल में आके देख सकते हो, देखो हमारे टेंपल में क्या हो रहा है। जो टेंपल में गए तो संध्या आरती हुई, संध्या आरती के एंड में किसकी आरती होती है, नमस्ते नरसिंहाय। जैसे उन्होंने नरसिंहाय भगवान को देखा, इतना अद्भुत स्वरूप, अब वो अमेरिका के लोग उन्होंने उन्हें क्या खबर है क्या चीज, एक कोई भगवान होता है, इधर तक क्षीण है, इधर तक मनुष्य है, उसको देखकर वो रूप रहे खाली कि मंदिर में जाए और कोई ऐसा पॉइंट मिल जाए, कोई ऐसी बात मिल जाए जो हम ये सिद्ध कर सके कि ये लोग क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। अब जैसे ऐसे अद्भुत स्वरूप को देखा, एकदम अद्भुत, भगवान को भगवान तो सीधा होना चाहिए, मनुष्य के जैसा होना चाहिए, बांसुरी पकड़े या धनुष पकड़े, लेकिन ये कैसा भगवान है? तो उन्होंने बोला ये ठीक है, अच्छा पॉइंट नहीं गया, अब कल इस पर डिस्कस करेंगे। तो कल जब वो गए अदालत में तो बोला हमने बोला था ना ये ब्रेन वॉश करते हैं, इनके मंदिर में जाके देख तो इतने खूंखार भगवान रखते हैं, एकदम बिल्कुल खूंखार भगवान होते हैं और शेर की तरह है और चीरते फाड़ते हैं, जो भी उनकी गोद में लेटा हुआ होता है ना उसको ऐसे चीर रहे होते हैं, फाड़ रहे होते हैं, उनकी अंतड़ियां डाल रहे होते हैं, पता नहीं क्या है वो। ये देखो अब ऐसे जो भगवान की पूजा करेंगे वो भक्त कैसे होंगे, कुछ सोचो धैर्य वाले ऐसा करते होंगे। तभी श्री प्रभुपाद जी ने बोला बस अब केस चला गया बड़ी अदालत में, यहाँ से तो ये सारे तो छोटे छोटे हैं, वो बड़ा अभी जो सबसे बड़ा अदालत चलाने वाला है उसके पास गया। नरसिंहदेव भगवान को श्री प्रभुपाद जी ने प्रार्थना की कि हम तक बात थी ना तब सही था, पहले ये बोला कि भाई आपके भक्त जो है वो ब्रेन वॉश करते हैं, अब ये बोला भगवान के ऊपर बात है, हाँ तू जान, अब तुम संभालना, जो भी करना है कर दो, जिससे भी करना है करके दिखाओ इनको। तो जैसे ही नरसिंहदेव भगवान पर बात आई तो फिर भक्तों ने कहा कि देखो ये कोई हमने थोड़ी ना अपने भगवान को बनाया है, कोई नया भगवान थोड़ी, क्योंकि उन्होंने तो कभी भागवतम पढ़ी नहीं होगी, आप सब तो धन्य है जो बचपन से सुनते आ रहे हैं, नरसिंहदेव भगवान की श्रोमणी प्रहलाद महाराज की, हमारे ऊपर तो असीम अनुकंपा है कि पाकिस्तान जैसे कंट्री में रहते हुए भी हम रोज भगवान के दर्शन कर सकते, कितने सुंदर भगवान है, मतलब भगवान के अलग अलग स्वरूप है, नरसिंहदेव भगवान के ये नौ स्वरूप है, कहां पर बताए, अहोबिलम में, अहोबिलम में नरसिंहदेव भगवान के बहुत ही सुंदर स्वरूप है। बैंगलोर से जब हम आगे जाते हैं पूरा ट्रैकिंग है और इतने सुंदर सुंदर भगवान के उग्रव नरसिंहा है, ज्वाला नरसिंहा है, पावन नरसिंहा है, छत्रपति, अच्छा छत्रपति नरसिंहदेव भगवान है, आज अलग अलग नरसिंहदेव भगवान से मुलाकात करते हैं। छत्रपति नरसिंहदेव भगवान कौन है जानते हो, वो एकदम स्माइलिंग है, वैसे तो नरसिंहदेव भगवान हमेशा क्रोध में रहते हैं, इतना
थोड़े देवी देवता भी उनके करीब जाने से भयभीत होते हैं। आप सबको याद है ना, जब हिरण्यकश्यप को मारा था, अब क्या हुआ, हिरण्यकश्यप को मारा ना तो देवताओं ने कहा भगवान ने अपना कार्य सिद्ध कर दिया, अब क्या करते हैं भगवान की आरती करते हैं। आरती करने के लिए सब जो देवी देवता थे सब आ गए, उन्होंने आरती की थाली बना ली, और आरती की थाली बना ली, अब आरती स्टार्ट करने वाली, आरती करने के लिए तो सारे देवी देवता ब्रह्मा जैसे मैं करूँ आरती करूँ, तो ब्रह्मा इसको बोला है, फिर इंद्र ने बोला मैं करूँ क्योंकि मैं देवेंद्र हूँ, बोला आरती तो कोई भी कर लेगा लेकिन आरती करने से पहले इनको हार पहनना पड़ेगा, वो कौन करेगा। इतने भयानक नरसिंहदेव भगवान, यहाँ इतना बड़ा उनका विशाल, इतने बड़े बड़े उनके नेत्र हैं, उनके जो नाखून हैं इतने बड़े हैं, उनका विशाल स्वरूप अग्नि निकल रहा था, उनके नेत्रों से ज्वालाएं निकल रही थी, तो सारे देवी देवता पीछे हट गए, बोला बाबा ये हमारे बस की बात नहीं, हम नहीं करेंगे, हम आरती करेंगे बट हम लोग हार नहीं पहनाएंगे, हार नहीं पहनाएंगे तो आरती कैसे स्टार्ट होगी। सारे देवी देवताओं ने बोला चलो ना हमें लक्ष्मी महारानी के पास चलते हैं, वो तो उनकी पत्नी है ना, पत्नी को तो आदत होती है, सारा दिन तो झगड़ा करते रहते हैं पति, वो तो उन्होंने कोई ऐसा स्वरूप देखा होगा ना, तो गए वैकुंठ में। अच्छा लक्ष्मी महारानी की एक सुपर बात बताऊं, लक्ष्मी महारानी का स्थान कहाँ है जानते हो, लक्ष्मी महारानी का स्थान है भगवान के हृदय में, वो भगवान के हृदय में, श्री वत्स होता है ना, लक्ष्मी भगवान के हृदय में रहने की उनको जगह है, लेकिन लक्ष्मी ने वो जगह स्वीकार नहीं की, बोला यहाँ नहीं मुझे तो भगवान के चरणों में, इसका मतलब ये है भगवान के हृदय से भी ज्यादा भक्त जो है वो भगवान की सेवा करने में आनंद महसूस करते हैं। तो लक्ष्मी महारानी को बोला चलिए माता जी अब आपका आपका टर्न आया, अभी आपका सीन है, चलो क्या करना है भाई, बोला हार पहनाना है, हाँ तो इतनी सुंदर लक्ष्मी महारानी ने बोला भाई मेरा अभी आने वाला है, तो अच्छी सी साड़ी वाली पहनी, सुंदर सुंदर तैयार हुए, श्रृंगार किया, और फिर वहां से गए गाँव पर, जहाँ पर ये अभी आरती की तैयारी हो रही थी, जैसे उनको हार दिया और लक्ष्मी महारानी धीरे धीरे कदम भरा के भी लेके आ रही है, नरसिंहदेव भगवान जोर से घुराते लक्ष्मी महारानी डर गई, बोला नहीं बाबा अभी तो मूड खराब है, मैं नहीं जाने वाले। अभी जब लक्ष्मी महारानी ने सोचा कि मैं तो सारा समय भगवान की साथ ही रहती हूँ, भगवान के अंग की एक अर्धांगनी हूँ मैं, मुझे भी भय लग रहा है भगवान से, तो उनको अंदर से और गिल्ट होने लगा कि ये तो सही नहीं है, लेकिन लक्ष्मी महारानी की जो शुरू से उनका जो रहने का स्टाइल था वो बहुत लग्जरियस माहौल में रही थी, बहुत कंफर्ट जोन में रही थी, तो इतना खूंखार भगवान का स्वरूप नहीं, तो लक्ष्मी महारानी बोला भले कुछ भी होगा आज मेरे पति ने ऐसा उग्र स्वरूप धारण किया है तो मैं उनको भी अपना बना के छोड़ूंगी। तो ये जो हम नाइन नरसिंह देव की तरफ जा रहे हैं ना, उनमें से एक नरसिंह देव भगवान है, उनको बोलते चंचलापति नरसिंह देव, वैसे तो लक्ष्मीपति नरसिंह देव होता है ना, उसमें से एक है, ये सब नरसिंह देव भगवान की अनसुनी कहानियां है। प्रहलाद महाराज की प्रार्थना पर नरसिंह देव प्रकट हुए और खंभे से फाड़ कर हिरण्यकश्यप को फाड़ा, वो तो हर साल सुनते हैं, आज कुछ नया टेस्ट है। तो चंचलापति नरसिंह देव ये मैं इस विश्वास के साथ बता रही हूँ क्योंकि इन सब नरसिंह देव भगवान की कृपा से इन सबके मैं अभी दर्शन करके आई हूँ। जब अभी इस बार मैं इंडिया गई थी तो मैंने सोचा ठीक है, मैं जब चैतन्य चरितामृत पढ़ती थी तो उसमें मैंने देखा कि चैतन्य महाप्रभु अहोविलंब जाते हैं, अहोविलंब में नरसिंहदेव भगवान नाइन नरसिंहदेव भगवान के दर्शन करते हैं, तो मैंने कहा कि भाई मुझे तो जाना है, महाप्रभु ने दर्शन किए तो मुझे भी करने हैं। जैसे ही हमने वहाँ के जो टूरिस्ट थे जो भक्तों को गाइड करके भेजते थे उनसे बोला भाई मैं नरसिंहदेव भगवान के दर्शन करने अहोविलंब में जाऊंगी, तो उन्होंने पता है क्या बोला, माता जी भूल जाइए मत जाइए ना, बहुत कठिन है वहाँ, तो जंगल ही जंगल है, खूंखार शेर हैं, रात में जागने रहने के लिए जगह नहीं है, आपको खा जाएंगे,
वहाँ पर तो खाना भी नहीं है, पीना भी नहीं है, रहने की स्थान भी नहीं है, आप नहीं जाइए, आप ये जिद छोड़ दीजिए। जब ऐसा सुना है तो मेरी जितनी भी फैमिली थी उन्होंने बोला कि भाई अब तो नहीं चलेंगे क्योंकि इतना ज़्यादा खतरा कौन मोल ले। मैंने कहा अब खतरों से खेलने के लिए तो आई हूँ,